मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी बस होटल से चेकआउट किया, आज जा रहे हैं वापस चंडीगढ़ में, चलते हैं। ये रहा भी हमारा हॉस्टल, अब जाते हैं वापस। पहले तो नीचे जाना है पार्किंग में, बाइक वगैरह वहीं पे खड़ी है, हेलमेट वगैरह यहाँ पे पड़े हैं टेबल पे। चलें अब, चलो तो चलो चलते हैं सीधा। बाय बाय। लास्ट व्यू भी देख लो भाई यहाँ का, लास्ट व्यू मतलब मेरी वीडियो का लास्ट व्यू, अब सीधा पहाड़ों पर ही देखेंगे। तो फाइनली निकल चुके हैं हॉस्टल से, तो इसको तो नीचे उतरना भी मुश्किल लग रहा है। नीचे उतरना बस आगे। अभी से इसके कमर में दर्द स्टार्ट हो गया बैक की वजह से। अभी 750 मीटर हो रहे हैं, जाते हैं नीचे। चलो भाई, रास्ते में एक मंदिर भी है, चलने क्या? तो बाकी लेट हो चुके, जिस टाइम हम यहाँ पे पहुँचे थे उस टाइम तो हम अब निकल रहे हैं। स्पीड में चलानी पड़ेगी अब तो, बाकी नीचे जाना और मुश्किल है क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो और स्पीड में आते हैं। देखते हैं, पहुँचते हैं हम धीरे धीरे। यहीं पर चलना है, पाल रोड के पास तो पहुँच चुके हैं। यहाँ से बस 201 मीटर हो रहा है, अब तो पास ही है, पहुँचने वाले हैं। फाइनली बाइक भी ले ली पार्किंग से, अब चलते हैं वापस। ये देखो कमल तो पीछे ही अभी आने लग रहा है क्योंकि स्लोप थी पूरी, तो मैं उसको बोला थोड़ी आगे आ जाए। तो फाइनली शिमला से 10 किलोमीटर नीचे भी आ चुके। कैसे ही हालत हो यार, नाप तो बड़ी है, तो नहीं रुका अब। बाकी नीचे उतरना बहुत आसान है चढ़ने से, हाथ पे चोट से लग गई थोड़ी, पता नहीं क्या हुआ। अब बस कितने देर का रास्ता हो रहा है? 2 घंटे का। बैठ जाएगा ना आराम से? हाँ, मैं तो कंफर्टेबल ही हूँ। अब तो दिक्कत नहीं आ रही कोई? नहीं, ऊपर चढ़ने में तो बहुत दिक्कत है, नीचे जाने में तो बिल्कुल आसान है। चाहे न्यूट्रल पे भी चला सकते हो बाइक। किलोमीटर बाद यहाँ पर मेरा बैग नीचे जाते हुए करवा दे यार, सही है बताओ। यही चीज सबसे बुरी लगती है, उतार के बांधना पड़ेगा पूरा। चलो उधर चलू, क्या कर रहे हैं? तो अभी हमने लिया दूसरा ब्रेक 50 किलोमीटर पे कुछ खाने पीने के लिए। पीछे का व्यू देखो, बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, ऐसे तो दिख नहीं रहा। इन वादियों में टकरा चुके। लो भाई, ब्रेड छोले भी आ चुके, खाते हैं अब विद अ व्यू। हमने एक और स्टॉप ले लिया अब खाने पीने के लिए, भूख लग रही थी। चंडीगढ़ सिर्फ अब 50 किलोमीटर है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बैठे हैं। थका नहीं? ना आज मैं नहीं थका, तू थका भाई? मैं तो नहीं थका यार, मैं तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट में हूँ। चल बेशक अभी चल चल, वो तो यूँ यार थोड़ी भूख लग रही थी, मैं कुछ खा लेते हैं। बाकी आज मैंने एक बार भी नहीं कहा स्टॉप करने के लिए। 3 बार बोला तूने, झूठ ना बोल। क्यों झूठ बोल रहे यार भाई, यार ब्लॉग में सच्चाई दिखा। पिछली बार मैंने कहा था चढ़ते हुए, उतरते हुए नहीं कहा। अभी नहीं कहा तूने, जब बाइक चेंज करने के लिए बोला था तो बाइक मैं चला रहा था उस टाइम पे, तो क्या बोला? नहीं, मेरे से नीचे बैठा जाए पीछे। तो पीछे तो यार पूरी थकान है, ऊपर से इसका बैग नहीं टांगने का कोई सपोर्ट है, बता दे अब। ये तो है, किसने कहा था तेरे को ऐसा बैग लाने को? अरे तू ही कर रहा था जल्दी 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 जल्दी, चल भाई जल्दी चल, जल्दी कर रहा था। इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई भी बैग उठा के ले चले, ट्रॉली वाला बैग ले आया यार। अरे कोई ना, फिर अगली बार पूरा प्रॉपर होके आएंगे, अगली बार चारों बाइक लाएंगे आप। हाँ लो भाई, चाय भी आ चुकी, पी के चलते हैं हम जल्दी से।
तो क्या कर रहे हो भाई? स्नैप? क्या बात है। तो फाइनली चंडीगढ़ भी पहुंच चुके। ये तो जा रहा है वापस हिसार, मैं जा रहा हूँ तुषार के पास। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं भाई? सब काम है मेरे को तो थोड़ा सा। कुछ काम नहीं है, खुद ये कॉलेज में फोन करके बोल रहे हैं कि सर मेरे को बुला लो, आपा चलेंगे ये वो। झूठ। कुछ एडमिशन के लिए जाना है इसने कहीं पे। क्या क्या काम है फिर बताइए यार। छोड़ बताना तो क्या है, प्राइवेट हो थोड़ा। सफेद झूठ। कुछ नहीं है सर के साथ, इसको फतेहाबाद जाना है इसलिए मेरे को जल्दी ले आया। पहले 30 तारीख का कर रहा था, कौन सी डेट है आज? 27 को वापस आएगा, 28 को तो ये सार में पाएगा, कल कॉलेज भी जाएगा ये। मेरा भी सेम कॉलेज है, मैं तो नहीं जा रहा भाई। चलो कोई ना, मैं जाता हूँ तुषार के पास। बाय बाय। बाय बाय ब्रो। ओके बाय। बाय बाय। ये रहा बस स्टैंड, हिसार की बस पता होगा कहाँ पे मिलेगी मेरे को। तो फाइनली तुषार के फ्लैट पे भी पहुंच चुके, अब बस थोड़ी देर रेस्ट करके 9-10 बजे के अराउंड निकलता हूँ मैं वापस हिसार के लिए। थोड़ी देर घूमने जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे राउंड मार के आते हैं। तो रात के 10 बज चुके, अब निकला मैं चंडीगढ़ से हिसार के लिए। देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। मेरा तो ये भी फाइनल नहीं है किस टाइम तक पहुँचूंगा, बस ये स्पीड नॉर्मल ही रखूंगा। अंधेरा तो नहीं है, चलता रोड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो चलते सीधा हिसार। ब्रेक लिया मैंने छोटा सा अभी, क्योंकि लास्ट 1.5 घंटे से नॉन स्टॉप चल रहा था। बाइक के 1000 किलोमीटर भी कंप्लीट होते थे और टैंक भी फुल करा लिया। अब सीधा हिसार में जाके कराऊंगा फुल। तो पहुँचते हम धीरे धीरे। लो भाई एक और जैकेट पहननी पड़ी ढाबे पर, वो अभी चाय वगैरह पीने के लिए। उसके बाद जाऊँगा वापस हर्षर के पास, रूमूंगा आज रेस्टोरेंट में। देखते हैं कैसा रहता है। पहली बार चाय पीने के इतने मजे आ रहे हैं, ठंड में हाथ बिल्कुल जम चुके यार। पी लो कभी आके देखना, पता लगेगा अकेले बाइक पे चंडीगढ़ से हिसार। बिल्कुल थकान, ठंड तो इतनी हो रखी है अभी, बस शुक्र है धुंध नहीं है, बिल्कुल आराम से चल रहा है। रात का डिनर देख लो, 4 बजे। रात तो क्या सुबह हो चुकी, एक दो घंटे सो के जाता हूँ घर पे। तो फाइनली 12 घंटे की ड्राइव के बाद हिसार तो पहुंच चुका, तो अभी तो जा रहा हूँ सोने। वीडियो करते हैं, अभी खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।